वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर ऑफ क्लास 10th टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव स्टडीड अबाउट द फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि जब किसी करेंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है F इक्वल टू IBL साइन थीटा, और फोर्स डिपेंड करता है एंगल थीटा. साइन थीटा मीन्स करेंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल पर. ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर. तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, सबसे पहले इसका मैंने यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्शन में आपको एक्सप्लेन करूँगा. ओके, और इसकी वर्किंग कैसे है आप इसको ध्यान से समझिएगा कि हमारे घरों में जो मोटर है, जो जनरल DC मोटर की हम यहाँ पे बात करेंगे, तो कैसे वर्क करती है. तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस ओके विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी. आपने देखा होगा जैसे हमारे घरों में मोटर लगी रहती है, और मोटर से क्या होता है, जैसे हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, यानी कि कुछ हाइट पर जैसे मोटर चला के हम पानी को नीचे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर थर्ड फ्लोर तक या अपने घर के छत तक पानी उससे हमारा मूव करता है. इट मीन्स तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो वाटर है मोशन में है, मोटर घूम रही है. ठीक, रोटेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और कुछ सिचुएशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है. और आप जानते हैं सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. तो मोटर क्या करती है, घूमती है, रोटेट हो रहा है, किससे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेगी. तो मोटर एक ऐसी डिवाइस है विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. पहले आप इसको समझिएगा यहाँ पर, फिर मैं आपको इसके नोट्स भी यहाँ पर लिख करके शो करूँगा. तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, आपका एक डिवाइस है. इट इज, वी कैन से इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. तो हमारी जो मोटर होती है, मोटर कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में. ओके, तो देखिएगा कौन से प्रिंसिपल पर ये काम करती है, और सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन समझिए. देखिए मोटर में हमारे पास क्या होता है, ये दो फील्ड मैग्नेट हैं यहाँ पर, एक नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. तो दो फील्ड मैग्नेट, जैसे हमने परमानेंट मैग्नेट लिए हैं या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लिया जाता है, यू शेप्ड मैग्नेट लिया जाता है, तो दो फील्ड मैग्नेट होते हैं. तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है, यानी कि यहाँ से इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है. इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा जाता है. आप फिगर में देखिए ABCD, ये ABCD क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है. ओके, फिर उसके बाद से ये रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने यहाँ नीचे ये टच करा रखा है, एक्स और वाई, इस साइड एक्स लिखा है मैंने और इस साइड वाई. तो दीज आर कार्बन ब्रशेस एक्स एंड वाई, यानी कि ये भी क्या है, कार्बन ब्रशेस होते हैं. और ये जो आपकी ये जो रिंग्स बना रखी है हाफ मेटेलिक रिंग्स, ये होती हैं हमारी स्प्लिट रिंग्स. इनको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स, या इनको बोला जाता है कम्यूटेटर. ओके, और इसके बीच में एक ये एक्सेल होता है, जो ये आपको दिख रहा है ऐसे, ये क्या है हमारा एक्सेल है. और ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, देखिएगा रेक्टेंगुलर कॉइल ये कार्बन ब्रेसेस के साथ कांटेक्ट में है, और कार्बन ब्रेसेस स्प्लिट रिंग्स के साथ कांटेक्ट में होते हैं. और ये कार्बन ब्रेसेस जिनके साथ रेक्टेंगुलर कॉइल कनेक्ट है और स्प्लिट रिंग्स कनेक्ट हैं, फिर हमने इस सिस्टम को हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए की. तो ये हमारा डीसी मोटर का क्या है, डायग्राम है. हमें इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और प्रिंसिपल पढ़ना है. तो प्रिंसिपल क्या है, देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ से बैटरी से करेंट जाएगा. ये करेंट आई करेंट निकला, तो ये आई करंट, ये ए बी पोर्शन में अभी आप देखेंगे करंट ऊपर की ओर है, फिर यहाँ से करंट घूमता हुआ जो सी डी पोर्शन है इसमें करंट कहाँ है, नीचे की ओर है. तो इसका प्रिंसिपल, और फिर ये करंट यहाँ आया, मीन्स इसका प्रिंसिपल ये है
कि जब किसी करेंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर हमने पढ़ा है कि इस कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है IBL साइन थीटा। पहले आप इसकी वर्किंग समझिएगा, फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड IBL साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर हम कंडक्टर की बात करें तो AB पोर्शन एक कंडक्टर है और CD भी एक स्ट्रेट कंडक्टर है, लेकिन ये पूरा मिलकर के एक रेक्टेंगुलर कॉइल बना। तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल पर आप फोर्स को देखेंगे तो यहाँ पर कपल ऑफ फोर्सेस बनेंगे। कपल ऑफ फोर्सेस आप समझिएगा, देखिए क्या है, ये AB पोर्शन पर आप देखिए, ठीक। इस तो इसका जो कंस्ट्रक्शन पहले मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है, तो जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है इसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो AB पोर्शन है इसमें अभी करंट ऊपर की ओर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, नॉर्थ टू साउथ, करंट ऊपर की। तो अब यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप जानते हैं, इफ़ वी प्लेस थ्री फिंगर्स ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, थम फोर फिंगर और मिडिल फिंगर ऐसे सेट हो कि थम अगर फोर्स की डायरेक्शन अगर हम कहें सिंपली पहले कि अगर फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें, मिडिल फिंगर या सेंटर फिंगर कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें, तो थम हमारा उस कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए ए बी पोर्शन पर फोर्स चेक कीजिए, तो ए बी पोर्शन पे फोर्स कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस अंगुली को सेट करेंगे ऐसे, लेकिन करंट ऐसे इधर की ओर नहीं है, करंट कैसे है कॉइल में, इस ए बी पोर्शन पर ऊपर की ओर है। तो देखिएगा मैं इस करंट को ऊपर ले जाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही, तो मैंने ऐसे हाथ सेट किया, ये समझिए मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर की ओर, तो मेरा जो थंब है वो फोर्स रिप्रेजेंट करेगा। तो थंब मेरा देखिए ये थंब कहाँ जा रहा है, ब्लैक बोर्ड के अंदर को जा रहा है, ब्लैक बोर्ड के अंदर को। लेकिन जब आप अपने कॉपी में इसको बनाएंगे तो कॉपी तो आपके सामने ऐसे होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो कॉपी में जब आप इसको लगाएंगे इस रूल को, तो आपके कॉपी में आप ध्यान से देखिएगा फोर्स ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, कॉपी के इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जाएगा कॉपी में, क्यों, तो आप ये मानेंगे बोर्ड ऐसे रख दिया हमने, ठीक। तो आप ध्यान से लॉ को लगाइएगा, इस बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये फिंगर रखा, करंट मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करता है, करंट की डायरेक्शन ए बी पोर्शन की बात हो रही है ऊपर की ओर है, तो करंट ऐसे ऊपर रखा, मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, करंट ऊपर, तो फोर्स इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड यानी कि अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, और अंदर की ओर जब कोई फोर्स लगता है तो मैंने उसको बताया था हम क्रॉस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो फोर्स लगेगा इस पोर्शन पर, मान लीजिए अगर मैं F1 फोर्स कहूँ तो ये फोर्स अंदर की ओर लगेगा क्रॉस, जिसको मैंने ऐसे मतलब कि ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर वो इस यानी कि इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड लग रहा है, ऐसे आप समझिए, ठीक। ऐसे ही अब ये वाले पोर्शन पर आप देखिए CD पोर्शन, AB पोर्शन पर करंट ऊपर है, CD पोर्शन पर करंट नीचे की ओर है, तो इसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, करंट नाउ डाउनवर्ड, तो करंट नीचे की ओर है, तो इस पे फोर्स ऐसे आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, आउटवर्ड बाहर की ओर ऐसे, ठीक। तो देखिएगा इसके फोर्स को मैंने ऐसे हवा में ऐसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ऐसे किया है कि भाई ऐसे फोर्स लग रहा है, तो इसको हम चाहें तो हम इस पोर्शन पर अगर हम F2 फोर्स बोलें तो F2 फोर्स क्या है, डॉट, डॉट का मतलब होता है कि बाहर की ओर। मैंने आपको बताया है जैसे मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई चीज़ हमसे मान लो एक एरो है, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, अगर एक एरो है हमारे पास, ये एरो में पीछे ऐसा होता है जिसको हम बाण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके पीछे जब अगर एरो हम चलाएंगे, अगर ये हमसे बहुत दूर जाएगा तो हमें इसका पीछे का पोर्शन दिखेगा क्रॉस, अगर हमारी ओर आएगा तो क्या दिखेगा, डॉट। तो यहाँ पे फोर्स कैसे लग रहा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे, फोर्स हमारी ओर बाहर की ओर, तो इसलिए इस फोर्स को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पर इस पोर्शन पे देखिए करंट मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, ये बी जो लिखा है मैंने, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लिखी है, ध्यान दीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड अगर लेफ्ट टू राइट नॉर्थ टू साउथ, करंट ऊपर, तो इस पे फोर्स अंदर की ओर यानी कि हमसे दूर जा रहा है फोर्स, तो हमने इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसको हम बोलते हैं कपल ऑफ फोर्सेस या टॉर्क। ये क्या चीज़ होती है, देखिए इस पोर्शन पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अंदर की ओर, और इस पोर्शन पे लग रहा है फोर्स बाहर की ओर। तो जो ये दो फोर्सेस होंगे, F1 देखिएगा, F1 फोर्स
ये है हमारा क्रॉस, ठीक है, और जो F2 फोर्स है ये है बाहर की ओर डॉट, और हम लिखेंगे F1 इक्वल टू F2, दोनों ही फोर्सेस बराबर हैं, बट एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दियर लाइन ऑफ फोर्सेस, बट दियर लाइन ऑफ फोर्सेस इज डिफरेंट, और वी कैन से बट द लाइन ऑफ फोर्सेस, द लाइन ऑफ फोर्सेस आर डिफरेंट. अब लाइन ऑफ फोर्सेस आर डिफरेंट, hence produce a torque, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको, a torque in the coil and it starts rotate, it starts rotate. Means क्या है, देखिए दोनों फोर्सेस को आप देखिए, एक फोर्स अंदर की ओर और एक फोर्स बाहर की ओर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन लाइन ऑफ फोर्सेस डिफरेंट हैं. तो देखिएगा फोर्सेस की डायरेक्शन तो अपोजिट है, एक अंदर है एक बाहर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है लेकिन लाइन ऑफ फोर्सेस डिफरेंट हैं, तो इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे. देखिए कैसे, आप ऐसे समझिएगा प्रॉपर, होता क्या है, अगर मान लीजिए बुक है, इस पर एक फोर्स ऊपर से नीचे को मैं लगाऊँ इस हाथ से, और उतना ही फोर्स इस हाथ से नीचे से ऊपर को भी लगाऊँ, मीन जितना नीचे को फोर्स उतना ही नीचे से ऊपर को, तो फोर्सेस की लाइन ऑफ फोर्स एक ही है. कैसे, ये फोर्स ऐसे लग रहा है इस लाइन पर और नीचे से भी फोर्स इसी लाइन ऑफ फोर्स पे लग रहा है, तो जब लाइन ऑफ फोर्सेस सेम होती हैं तो ऑब्जेक्ट पे कोई भी मूवमेंट या कोई रोटेशन नहीं होगा. अब इस केस पे क्या हो रहा है, देखिए मान लीजिए ए बी पोर्सन, कॉइल का ये ए बी पोर्सन है और जिस साइड ये पेज खुले हुए हैं ये सी डी पोर्सन है, सी डी, तो ए बी पे फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर, मैंने बताया लॉ लगा के, इस पे बाहर. तो अगर मैं इस पर फोर्स अपनी ओर लगाऊं और इस पर फोर्स आपकी ओर लगाऊं, मींस इस पे बाहर की ओर यानी कि आपकी ओर, इस पर ऐसे इनवर्ड, तो इसकी लाइन ऑफ फोर्स इधर है, ये वाली लाइन ऑफ फोर्स है, इसकी लाइन ऑफ फोर्स ये है, तो लाइन ऑफ फोर्स डिफरेंट हैं. और तो जब डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ऑब्जेक्ट के दो किनारे पर कभी भी ऐसे लगेगी तो ये कपल ऑफ फोर्स हम इसको कहते हैं. तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स इधर इस साइड, एक फोर्स इधर इस साइड लगेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पे जब ऐसे फोर्स लेंगे तो ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रोटेट. जो पहले इधर था ये पोर्शन, मान लीजिए ए बी है, ये सी डी, तो ए बी पोर्शन घूम करके इधर आ जाएगा और सी डी इधर आ जाएगा आफ्टर 180 डिग्री यानी कि हाफ रोटेशन के बाद. तो इसको हम बोलते हैं टॉर्क. तो टॉर्क क्या होता है, कपल ऑफ फोर्स, आप 11th में डिटेल में पढ़ेंगे, फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. तो जनरली यहाँ पर क्या है कि दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों की लाइन ऑफ फोर्स डिफरेंट है, एक इस किनारे पे इसे, तो इसलिए टॉर्क हम उसको कहेंगे. और टॉर्क से कॉइल जो कि अभी मान लीजिए ए बी सी डी ऐसे है, ए बी ऊपर सी डी नीचे, ये सी डी मान लीजिए जहाँ पेजेस खुले हैं बुक के और ये ए बी, तो ये ऐसे रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज. देखिए इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है डॉट, इस पे अंदर, तो इस पे बाहर लगाइए, इस पे अंदर, तो ये ऐसे करके रोटेट होगा. ठीक, कैसे, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए मैंने लिखा है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल एंटी क्लॉकवाइज. यहां तक समझ में आई आपको वर्किंग. अब क्या होता है, देखिए इसके बाद मेन चीज है, कॉइल हमारा रोटेट होना तो स्टार्ट हो गया, अब हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, 180 डिग्री के बाद. तो देखिएगा इसके लिए, अभी जो ए बी पोर्शन है सी डी पोर्शन है, ये हाफ रोटेशन, ये कार्बन ब्रेस, ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं जो इसके साथ कनेक्ट है, ये आपका कार्बन ब्रेसेस के स्प्लिट रिंग्स जिनको हम कम्यूटेटर बोलते हैं, ये सिस्टम यहां पर घूमेगा, ये ऐसे यहां पर घूमेगा, तो ये देखिए ये सी डी पोर्शन जो अभी यहाँ पर टच हुआ है कार्बन ब्रसेस वाई से, और जो ये टच हुआ है कार्बन ब्रसेस एक्स से, तो जब ये घूमेगा ऐसे हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, ये घूम करके इधर आ जाएगा सी डी. देखिए समझिए, ए बी अभी ऐसा है और ये सी डी है, हाफ रोटेशन होगा, तो ये इतना पोर्शन है, ये 180 डिग्री हाफ रोटेशन हुआ, तो हाफ रोटेशन के बाद सी डी इधर आ गया और ए बी इधर. तो हाफ रोटेशन जब इस कॉइल का ऐसे होगा तो सी डी पोर्शन बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, जो कि पहले किससे कनेक्ट था, नेगेटिव से, सी डी कनेक्ट हो जाएगा प्लस से
और ए बी कनेक्ट हो जाएगा वाई वाले से, यानी कि निगेटिव से। मीन्स अब आप समझिए, हाफ रोटेशन के बाद कॉइल की पोजिशन अब ए बी सी डी ऐसे नहीं रहेगा, ये जो ए बी देखिए कैसे पोजिशन हो जाएगी इसकी, सी डी इधर आ जाएगा हमारा, सी डी इधर पहुंच जाएगा और ए बी पोर्शन हमारा ये हो जाएगा, यानी कि ए बी सी डी ये कॉइल की पोर्शन हमारी पोजिशन अब हो जाएगी। अब सी डी वाले पोजिशन पर देखिए ये किससे हुआ, विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट रिंग्स। ये कम्यूटेटर जो है, ये देखिए जो इसको रोटेट कर रहा है, ये एवरी हाफ रोटेशन के बाद इसमें डायरेक्शन ऑफ करेंट इन द कॉइल क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक, तो अब सी डी वाले पोर्शन पे करेंट ऊपर की ओर, तो अब सी डी पर फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की ओर, और जो ए बी है इस पे करंट अब नीचे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तो सी डी अब जुड़ गया ना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो सी डी पे करंट गया ऊपर और ए बी पर करंट आया नीचे, तो अब सी डी पर फोर्स लगेगा इनवर्ड और ए बी पर फोर्स लगेगा आउटवर्ड। तो फिर से क्या होगा, देखिए ये सी डी वाला पोर्सन जो कि हाफ रोटेशन के बाद घूम के इतना आया, इस पर फोर्स इनसाइड और इस पर फोर्स आउटसाइड, फिर ये हाफ रोटेशन के बाद फिर इधर आ जाएगा ए बी, फिर सी डी इधर। अब ए बी जब इधर आ जाएगा तो ए बी जो कि अभी वाई को टच कर रहा है, और वाई किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, अब ए बी वाला किससे टच हो जाएगा, एक्स से। ठीक, और ये एक्स कार्बन ब्रश किससे जुड़े हैं, ये स्प्लिट रिंग से। तो ए बी पे फिर से करंट ए बी में पॉजिटिव हो जाएगी ऊपर, फिर सी डी में नेगेटिव, फिर से ए बी में अंदर की ओर फोर्स लगेगा और सी डी पर बाहर। तो अब ऐसा समझिए कि सबसे पहले इनिशियल कंडीशन ये है, इनिशियल कंडीशन मैं फिर से आपको शो कर रहा हूँ, यही मोटर की मेन वर्किंग है, ए बी ये है सी और ये है डी। तो इनिशियली क्या है, हमने बैटरी यहाँ से प्लस दिया है, तो ए बी पोर्शन पर करंट अपवर्ड, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स इनसाइड लगा, और सी डी पर करंट नीचे तो इस पर फोर्स आउटसाइड लगा। दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ फोर्स डिफरेंट हैं, तो इसलिए ये कॉइल ऐसे रोटेट हो गई मैग्नेटिक फील्ड में हाफ रोटेशन। तो हाफ रोटेशन जब ये कॉइल का होगा, तो हाफ रोटेशन के बाद विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट रिंग्स ये सी डी पोर्शन जिसमें भी करंट नीचे है, जो भी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, हाफ रोटेशन के बाद ये किससे जुड़ जाएगा, पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, और जो ए बी था, जो ए बी ऐसे था, वो रोटेट होके हाफ रोटेशन के बाद वो ए बी यहाँ आके नेगेटिव से जुड़ जाएगा। तो हाफ रोटेशन के बाद सी डी में करंट ऊपर जाएगा फिर से और ए बी में नीचे, तो अब सी डी पर अंदर फोर्स, ए बी पर बाहर, तो फिर कॉइल ऐसे हाफ रोटेशन, फिर हाफ रोटेशन के बाद ए बी पर फिर यही पोजिशन रिपीट हो जाएगी वन फुल रोटेशन के बाद, तो फिर से ए बी पर करंट ऊपर, तो इस पर फोर्स इधर, इस पर बाहर, ये होगा, फिर सी डी पर फोर्स अंदर, इस पर बाहर, फिर ये होगा, फिर ये ऐसे ऐसे करके आपकी कॉइल कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो जाएगी। ठीक, तो यही इलेक्ट्रिक मोटर ऐसे ही घूमता है मोटर। ठीक, तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि जब किसी प्रिंसिपल जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर फोर्स लगता है आई बी एल साइन थीटा। दो अपोजिट साइड पे लगने वाले फोर्स, कपल ऑफ फोर्स एक टॉर्क बनाते हैं, वो टॉर्क से मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल कंटिन्यूसली रोटेट होते रहती है। और स्प्लिट रिंग्स का मेन फंक्शन ये है कि एवरी हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन को सर्किट में क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। क्योंकि तो ये पोर्शन पूरा सा घूम करके, ये जो पोर्शन है अभी ये वाई से जुड़ा है, तो ये पोर्शन किससे जुड़ जाएगा, एक्स से जुड़ जाएगा फिर, यानी कि एवरी हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम होता है स्प्लिट रिंग्स का कॉइल में, इसलिए हम इनको कम्यूटेटर भी बोलते हैं। ठीक, तो जो स्प्लिट रिंग्स हमारी हैं, ये स्प्लिट रिंग्स को हम बोलेंगे कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर मीन्स वर्क इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। ओके, तो ये आपका, ये हमारा वर्किंग है मोटर का, मैंने आपको मोटर की वर्किंग एक्सप्लेन कर दी। तो आप इसका डायग्राम बनाएंगे, अब आप इसके नोट्स कैसे लिखेंगे देखिएगा। सबसे पहले मैंने ये वाले बोर्ड पे, अभी मैं कैमरे का फोकस करता हूँ, इस पे नोट्स लिखे हुए हैं, इसके आधे नोट्स। ठीक है, फिर मैं उसको कंप्लीट करूँगा। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक मोटर का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद से फिर ये फिगर बनाएंगे, फिर हम वर्किंग। ओके, तो कैसे नोट करना है इसके लिए मैं आपको फोकस कर रहा हूँ इस पे, और तब तक आप इस फिगर का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इलेक्ट्रिक मोटर का फिगर इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में लिखा हुआ है, तो आप सबसे पहले कैसे लिखेंगे देखिए इसके नोट्स में, इलेक्ट्रिक मोटर,
तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फिर हमने लिखा इसका प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करेंट इज पास्ड थ्रू इट अ कपल ऑफ फोर्स, ओके, और वी कैन से कपल ऑफ फोर्सेस मींस टॉर्क, उसी को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, एक्ट्स ऑन द कॉइल व्हिच रोटेट्स इट कंटिन्यूअसली, ओके, तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली रोटेट करता है। और अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो फोर्स एफ इक्वल टू क्या लगता है, आई बी एन साइन थीटा, ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम, तो कंस्ट्रक्शन पहले हम लिख रहे हैं, डायग्राम फिर उस बोर्ड पे मैं जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उसको बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए, द मेन पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर आर एज फॉलो, भी आप लिख सकते हैं। पहला देखिए आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर क्या होता है, जो हमारे वहाँ पर क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल, तो इट इज़ ए रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी एंड कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन। तो ये क्या है, आर्मेचर कॉइल होती है, जो रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी मैंने आपको मोटर में शो किया था अभी। दूसरा फील्ड मैग्नेट्स, द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्प्लिट रिंग्स होती हैं, कम्यूटेटर मोटर के पार्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। दीज आर टू हाफ्स ऑफ अ मेटेलिक रिंग, ये दो हाफ होते हैं मेटेलिक रिंग के, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स ऑफ स्प्लिट रिंग्स, वो उसके साथ कनेक्ट होती हैं, जो मैंने आपको शो किया था अभी, ठीक। द इनर साइड्स ऑफ दीज हाफ्स आर इंसुलेटेड एंड कनेक्टेड टू एन एक्सेल, ओके। देन कार्बन ब्रशेस होते हैं, दीज आर अ पेयर ऑफ कार्बन ब्रशेस कनेक्टेड टू द रिवॉल्विंग स्प्लिट रिंग्स एंड बैटरी, द बैटरी सप्लाइज द करेंट टू द आर्मेचर कॉइल थ्रू द ब्रशेस, जो कि मैंने आपको कंप्लीट वर्किंग समझाई इसकी अभी, तो इसके बाद हम वर्किंग लिखेंगे। तो ये है कंस्ट्रक्शन की, मोटर के अंदर क्या क्या होता है, मोटर की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, नोट्स प्रिंसिपल कैसे लिखेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो आप यहाँ से इसको लिखेंगे, ओके। अब देखिए इसके बाद से, ये नोट्स लिखने के बाद अब आप फिगर आएंगे, फिगर पे बनाएंगे, तो मैं आपको फिगर शो कर रहा हूँ और फिर हम इसकी वर्किंग लिखेंगे, ओके। तो इसके बाद से, ये नोट्स लिखने के बाद से फिर से मैंने बोर्ड यहाँ पे फोकस किया हुआ है, तो आप इस डायग्राम को बनाएंगे, डायग्राम फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से ऐसे ही बनाइएगा। देन आफ्टर फिगर के बाद से जो हमने वर्किंग यहाँ पे पढ़ी थी, वो वर्किंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वर्किंग यहाँ पे मैं लिखते जाऊँगा, तो उसको आप फिर नोट करेंगे, ओके। तो आप वीडियो को पॉज करके फिगर के लिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर इसकी वर्किंग लिखी है, जिसको अभी आगे और लिखना है। तो वर्किंग आप देखिएगा, इनिशियली द करेंट इन द पोर्शन ए बी इज अपवर्ड एंड इन पोर्शन सी डी इज डाउनवर्ड। तो देखिए मैंने लिखा है करेंट ए बी में, करेंट ए बी पोर्शन में अपवर्ड है और सी डी में कैसा है, डाउनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इज लेफ्ट टू राइट, जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वो कैसे है, लेफ्ट टू राइट है, ओके। अब देखिएगा आगे, बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द फोर्स ऑन द पोर्सन ए बी इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। देखिए अब यहाँ पर आप समझिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करेंट ऊपर, तो फोर्स तो इनवर्ड है बोर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन जब आप इसको कॉपी में, आप लोग कॉपी में बनाएंगे, तो कॉपी के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा कॉपी में ऐसे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करेंट हो, तो आप जब कॉपी में इसको सेट करेंगे तो आपका फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा इंटू द प्लेन ऑफ पेज, आपके कॉपी के पेज के नीचे को, जबकि बोर्ड में कैसा है, इंटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने लिखा है देखिएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड जो लिखा हुआ है, ये है आपके कॉपी के हिसाब से, ये कॉपी के हिसाब से नोट्स लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कॉपी के हिसाब से वर्टिकली डाउनवर्ड, नहीं तो यहाँ पर तो वर्टिकली इनवर्ड है, ठीक। ऐसी एंड द पोर्सन एंड द फोर्स ऑन द पोर्सन सी डी इज वर्टिकली अपवर्ड्स। तो देखिए सी डी में करंट नीचे, बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, करंट नीचे, फोर्स तो आउटवर्ड है, आउटवर्ड फोर्स है, फोर्स है बोर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन जब आप इसको कॉपी में बनाएंगे, कॉपी में आप हाथ सेट के करके जरूर देखिएगा, तो कॉपी में यही फोर्स आपका वर्टिकली अपवर्ड आएगा ऊपर की ओर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये आपकी कॉपी होगी, तो जब आप कॉपी में इस फिगर को बनाएंगे, हाथ सेट करेंगे, तो आपका फोर्स ऐसे कॉपी के प्लेन ऑफ पेज के ऊपर आएगा, तो इसलिए आप उसको लिखेंगे आउट, वर्टिकली अपवर्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज, ओके।
तो इसको मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पर, एंड द फोर्स ऑन द पोर्सन सीडी, सीडी पोर्सन पे बात हो रही है, इज वर्टिकली अपवर्ड्स आउट ऑफ द, वर्टिकली अपवर्ड्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज। ठीक, तो ये लिखा हुआ है कॉपी के अकॉर्डिंग, और F2 फोर्स कहा उसको, वो डॉट से रिप्रेजेंट किया। अब दीज टू फोर्सेस ऑन द कॉयल हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन एंड डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ फोर्सेस डिफरेंट है, इसकी लाइन ऑफ फोर्स अंदर है, इसकी ऐसे बाहर है, तो इसको क्या मिलेगा, टॉर्क, जो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो हैंस प्रोवाइड्स अ टॉर्क इन द कॉयल ड्यू टू विच द कॉयल स्टार्ट्स रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा कि कॉयल जो मैंने बताया था आपको ऐसे एंटी क्लॉक वे में रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाफ रोटेशन के बाद सीडी पोर्शन बैटरी के प्लस से कनेक्ट हो जाएगा 180 डिग्री हाफ रोटेशन के बाद, और ए बी आपका माइनस से कनेक्ट होगा, फिर सी डी में करंट ऊपर, तो सी डी में फोर्स इनवर्ड, और इस पर कैसा लगेगा, आउटवर्ड। ठीक, तो उसी को मैं आके आगे वर्किंग लिखूंगा इसके बाद से, तो आप वीडियो को पॉज करके इस वर्किंग को नोट कीजिएगा यहाँ तक, ओके, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, देन इसके बाद से मैं इसको आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ, ओके। तो आपने इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद से मैं आगे के नोट्स यहाँ पर लिख के आपको शो करूँगा, ठीक, कि हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा कि द डायरेक्शन ऑफ करेंट इन द कॉयल इज रिवर्स्ड, ओके ओके। तो इससे आगे की वर्किंग मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है आपको, तो देखिए क्या है, आफ्टर हाफ रोटेशन, अब हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, ऑफ द कॉयल द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द पोर्शन ए बी एंड सी डी इज रिवर्स्ड। हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, सी डी इधर आ जाएगा, मैंने बताया था करंट ऊपर जाएगा, और ए बी में कैसे आएगा, नीचे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द पोर्शन ए बी एंड सी डी इज रिवर्स्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट रिंग्स, जिनको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर। तो एक चीज़ में विशेष ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सीबीएसई और अदर बोर्ड एग्जाम्स में, व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो यूज क्या है स्प्लिट रिंग्स का, द यूज ऑफ स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करेंट आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। तो हर एक हाफ रोटेशन के बाद करेंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए ही स्प्लिट रिंग्स का यूज है मेन, ओके। तो देखिए, जब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हुई, द करंट इन द ए बी इज नाउ डाउनवर्ड, जो ए बी में जो करंट ऊपर था हाफ रोटेशन के बाद वो डाउनवर्ड हो जाएगा, क्यों, तो ए बी वाई से टच हो जाएगा, और सी डी एक्स, मीन्स सी डी पॉजिटिव, तो सी डी पे करंट ऊपर जाएगा, जो ए बी होगा वो उधर साइड ए बी चले जाएगा, तो उस पर करंट नीचे, तो ए बी पर करंट नीचे एंड सी डी पर अपवर्ड, द फोर्स ऑन द पोर्सन ए बी इज वर्टिकली अपवर्ड्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज। तो देखिए, ये मैंने बुक से कॉपी के हिसाब से, जब आप कॉपी में इस फिगर को बनाएंगे उसके हिसाब से लिखा है, इस पर फोर्स करंट ए बी पर अगर नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ए बी इधर चले गया, तो ए बी पर फोर्स ऊपर, सी डी पर करंट कैसा होगा, ऊपर की ओर होगा ऐसे, तो सी डी पर नीचे, तो फिर से ये ऐसे हाफ रोटेशन होगा। तो देखिए, ए बी पर फोर्स कहाँ की ओर है, ऐसे इधर है, ए बी पर करंट नीचे आएगा हाफ रोटेशन के बाद, तो इस पर फोर्स आउट ऑफ द पेज, जबकि बोर्ड के हिसाब से आप देखें तो ए बी हाफ रोटेशन के बाद यहाँ जाएगा, तो ए बी पर फोर्स आउटवर्ड होगा ऐसे, जबकि कॉपी के हिसाब से आउटवर्ड प्लेन ऑफ पेज, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो जो यहाँ पर लिखा है फोर्स ऑन पोर्शन ए बी वर्टिकली अपवर्ड्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज, ये कॉपी के हिसाब से लिखा गया जो आप एग्जाम में लिखेंगे, ओके। एंड फोर्स ऑन सी डी इज वर्टिकली डाउनवर्ड इन टू द प्लेन ऑफ द पेज, तो इसलिए मैं इनको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ओके। हैंस कॉयल रोटेट्स, तो कॉयल रोटेट होते रहेगी। मेन चीज़ क्या है, अब आफ्टर ईच हाफ रोटेशन, हर एक हाफ रोटेशन के बाद ये चलता रहेगा प्रोसेस, और कॉयल मैग्नेटिक फील्ड में कंटिन्यूसली रोटेट होते रहेगी। तो आफ्टर ईच हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ करेंट इन द कॉयल चेंजेस, हर एक हाफ रोटेशन के बाद करेंट की डायरेक्शन चेंज होगी एंड कॉयल रोटेट्स कंटिन्यूसली इन द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और जो ये इलेक्ट्रिक मोटर है, ये है डीसी मोटर। ये कौन सी मोटर है, डीसी, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो जो हमारी बैटरी है, सेल है, इससे जो भी करंट होती है हमारी डायरेक्ट करंट होती है, यूनिडायरेक्शनल करंट होती है, बाद में हम आगे पढ़ेंगे एसी और डीसी में डिफरेंस। तो डीसी
एसी जो होती है वो दोनों साइकिल में चलती है, हाँ मतलब अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करते रहती है। एसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और डीसी हमारी एक ही ओर चलती है, यूनिडायरेक्शनल। एसी की जो फ्रीक्वेंसी है इंडिया में जनरली 50 हर्ट्ज है, डीसी में कोई रोटेशन है ही नहीं, डीसी एक ही डायरेक्शन पर है, यानी कि अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, कोई ऑसिलेशन नहीं है, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। तो जो मोटर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दिस इज डीसी मोटर। ओके, नाउ इसके बाद आता है यूज ऑफ डीसी मोटर, कि डीसी मोटर का यूज कहाँ पर है। तो इलेक्ट्रिक जैसे फैंस में, रेफ्रिजरेटर्स में, छोटे बच्चों के खिलौने में, स्मॉल टॉयज, तो बहुत जगहों पर ऐसे डीसी मोटर्स का यूज होता है। ठीक, तो उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। इसके बाद यूजेस ऑफ डीसी मोटर सम स्मॉल यूजेस, ओके, मींस स्मॉल पार्ट में मैं उसको लिखूंगा शॉर्ट में। तो अब इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिएगा वर्किंग। ओके, तो यहां पर कुछ यूजेस लिखे मैंने डीसी मोटर के, ध्यान दीजिएगा जो हमने ये पढ़ा हुआ है, दिस टॉपिक इज डीसी मोटर नॉट एसी मोटर, दिस इज डीसी मोटर। ठीक है, तो देखिएगा, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैंस में यूज होता है, इट इज़ यूज्ड इन रिकॉर्ड प्लेयर्स, जो भी आप यूज करते हैं, टेप रिकॉर्डर्स, हेयर ड्रायर्स एट्सेट्रा, स्मॉल डीसी मोटर्स जिसको बहुत सारे टॉयज में यूज किया जाता है, और बच्चे जब कभी साइंस एक्टिविटीज होती हैं तो वहाँ पर बहुत सारे यूज होता है इसका, किसी को घुमाने के लिए। ठीक, रनिंग जो भी हमारा, जो भी हम रनिंग वाला जो भी कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो बिग डीसी मोटर्स आर यूज्ड फॉर रनिंग इलेक्ट्रिक कार्स ऑल्सो, तो दीज आर द यूजेस ऑफ डीसी मोटर्स एंड सो मेनी यूजेस अदर देन दीज। ओके, तो दिस इज अबाउट द वर्किंग ऑफ डीसी मोटर एंड इट्स यूजेस, जिसको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर हमने परमानेंट मैग्नेट लिए हुए हैं, हम डीसी मैग्नेट में जरूरी नहीं कि हम परमानेंट मैग्नेट लें, हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट वी कैन ऑल्सो यूज, कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, और हम यहाँ पर मैंने बताया था जैसे आपको स्टार्टिंग में यू शेप्ड मैग्नेट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो आप स्क्रीन पॉज करके ये यूजेस भी लिख लीजिएगा। ओके, सो दिस इज द होल अबाउट द डीसी मोटर, इट्स प्रिंसिपल, इट्स वर्किंग, मेन थिंग्स इट्स प्रिंसिपल, व्हाट इज द मोटर, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, इट्स प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्लिट रिंग्स, व्हाट इज द वर्किंग, व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन मीन्स, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, वर्किंग डायग्राम एंड यूजेस। ओके, तो बोर्ड में कभी 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रिक मोटर डिटेल में, और कभी इसके अंदर से पार्ट भी पूछ ले जाते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर 2 नंबर में, और कभी ऐसे व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्लिट रिंग्स पूछ लिया जाता है, या ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर एंड वर्किंग। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ओके, तो अगर आपको वीडियोज पसंद आते हैं तो आप इनको लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।